गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का वीडियो कोई पर्टिकुलर पौधे के ऊपर बेस्ड नहीं है। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जिसे आप कोई भी पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिए हुए घंटी को दबा दे ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखें। मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ उसका पूरा साइंटिफिक रीज़न के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों वो पर्टिकुलर चीज़ आपके मरे हुए पौधे को भी ज़िंदा कर सकता है। एकदम मरा हुआ तो नहीं, लेकिन लगभग मरे हुए पौधे को भी वो चीज़ ज़िंदा कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो चीज़ है क्या। ये देखिए, हाइड्रोजन परोक्साइड सॉल्यूशन 6% कंसेंट्रेशन के साथ। इसका प्राइस आता है लगभग 38 रुपीज़। काफ़ी सस्ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन लोगों को होता है जिन्हें सही से वाटरिंग का सिस्टम पता नहीं है। उन्हें ये प्रॉब्लम आता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी वो लोग बेस में डाल देते हैं। आपका पॉटिंग मिक्स अगर वेल ड्रेंड नहीं है तो मैक्सिमम पोर्शन उस पानी का जो भी एक्सेस आपने डाल दिया है वो बेस पे जमा हो जाता है। तो हाइड्रोजन परोक्साइड जो सॉल्यूशन है इसे डालने का दो प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये देखिए, स्प्रे करके डालना होता है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 6% कंसनट्रेटेड वाला लिया है इसलिए मैं 2 ml डाल रहा हूँ, जबकि ये मार्केट में 3% से लेकर 38% तक अवेलेबल मिलता है। तो आप जिस कंसेंट्रेशन को ले उस हिसाब से रेशियो बना के इसको डालें। इसे स्प्रे करने से आपके पौधे के ऊपर फंगस अटैक का चांसेस बहुत कम हो जाता है। दूसरा प्रोसेस है डायरेक्टली बेस पे डालना 50 ml पर 10 लीटर के हिसाब से। इसका पहला काम है रूट में फंगस ना आने देना, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड का फॉर्मूला होता है, और ये जब टूटता है तो वहाँ पे H2O मतलब वाटर और ऑक्सीजन निकल के बाहर आता है। इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्टली प्लांट के रूट को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो। उससे रूट आपके काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे और एक हेल्दी रूट वाले पौधे से हमें अच्छा ही रिज़ल्ट हमेशा मिलता है। तो कोई प्लांट अगर रूट डैमेज के वजह से मर रहा है तो ये हाइड्रोजन परोक्साइड आप 50 ml पर 10 लीटर के हिसाब से पानी में मिला ले और बेस में 3 दिन बाद डालिए। विद इन 15 डेज आपको उसमें नया ग्रोथ दिख जाएगा, रूट डैमेज उसका कंप्लीट रिकवर हो जाता है। ये मैंने काफ़ी बार टेस्ट किया है, और एक्चुअली मैं अभी जो करता हूँ मैं सिर्फ अपने ख़राब पौधे के ऊपर नहीं बल्कि अच्छे पौधे के ऊपर भी सेम चीज़ को अप्लाई करता हूँ और मुझे अच्छा ही रिज़ल्ट मिलता है। इस पौधे को मैं आज ही नर्सरी से लेके आया हूँ। काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आया था कि नर्सरी से गुलाब के पौधा लाने के बाद वो मर जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो उतना हेल्दी नहीं रह पाता, तो उसे कैसे लगाया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका मैं फुल अपडेट के साथ विद इन 30 डेज आपको वीडियो शो करूँगा कैसे उसको किया जाता है। ये देखिए, ये मेरे कुछ अच्छे गुलाब के पौधे हैं। इसे मैंने कुछ दिन पहले प्रून किया था, लगभग 10-12 दिन पहले, तो काफ़ी सारा पत्ते इसमें निकल के आए हैं। और ये देखिए, मैं इसमें वही H2O2 वाला सॉल्यूशन डाल रहा हूँ इसके बेस पे भी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, बेस पे डालने वाला जो सॉल्यूशन होता है ये काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है, तो ये पत्तों पे लगना नहीं चाहिए, पत्ते आपके जल सकते हैं, तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है सिर्फ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।